कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो सो गाइस, आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि वंदना जी आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही, बहुत सुंदर लग रही है। सच में ये सुंदर अच्छी है सुंदर अच्छी है तभी तो खरीदे हैं। और ये मैं सो रही थी इसलिए मेरा थोड़ा मेकअप वगैरह मतलब ख़राब हो गया है, तो बहुत शोर आ रहा है। आप लोग माइंड मत करना क्योंकि नवरात्र का समय चल रहा है। इधर टीवी में मैं प्रदीप जी की कथा सुन रही हूँ, पीछे मतलब बगल में दुर्गा माँ बैठी हूँ, वहाँ भी जयकारा वगैरह हो रहा है, तो हाँ कन्या पूजन हो रहा है। तो थैंक यू सो मच इस साड़ी को प्यार देने के लिए। अब ये साड़ी मैं जो खरीदा था 30 में खरीदा था, और ये कितने का था? 465 रुपये की। मैंने ऑनलाइन नहीं लिया था, ऑफलाइन लिया था दुकान में जाकर। अगर मेरा 30 का ब्लॉग नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। यही साड़ी है, सिवाने के बाद ऐसा बन गया है। और इस मंगलसूत्र का भी कमेंट आ रहा था, ये मंगलसूत्र मैंने मार्केट से 50 रुपये का लिया था। ये कोई गोल्ड वगैरह का नहीं है, जो है आर्टिफिशियल है, क्योंकि मैं जब गोल्ड का पहनती तो मेरे गर्दन में काले हो जाते हैं और दाने निकल आते, इसलिए मैं गोल्ड का नहीं पहनती हूँ। हाँ ये रिंग वगैरह ये कान का गोल्ड का है। तो चलिए हम कथा सुन लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं, बने रही ब्लॉग के अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, ये सूर्य जी भी रोशनी आ रहे हैं और ये पानी भर रही है। ऊपर क्यों भर रही है? पाइप लगा है ना, इसको भरना है, उसको भरना है। तो पाइपिया तो लगा, पाइपिया चल, पाइप कनेक्शन नहीं करवाए। अच्छा, उसमें तो कराए है ना, लेकिन वो तार है, तब का फालतू लगवा लिए हो जब कनेक्शन नहीं करवाए। क्या हम तो चढ़ाते गिर जा भाई सीढ़ी सहित। तो गाइस जो समर सेबुल लगा है वहाँ पर, उसका कनेक्शन नहीं बना है, अब बस लगवा दी है, लाइट है, तो यहाँ से हमारा सब जो दूसरों की से भरने का झंझट था वो चीज़ नहीं है, तो भर लो। तो ये हाँ यहाँ पानी सबको मिलेगा, अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगा तो सानिया मम्मी से करे, कॉन्टेक्ट करे। और हमारे पीछे दुर्गा भाई बैठी है तो आवाज़ आ रहा है। और क्या आ रहा था, ये प्रदीप जी की कथा आ रहा था, हम सुन रहे थे, तो हमके थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेते हैं। चलिए बने रहिए, मिलते हैं सुनने के बाद आप लोग से। कितना स्वाद रहा था, गाइस देख सकते हैं जो हमारे जो मार्केट में भंडारा था आज, कन्या पूजन सबके लिए प्रसाद आया है। तो मम्मी गई थी वहाँ, पूड़ियाँ वगैरह बेलकर आई हैं और प्रसाद भी हम लोग के लिए लेकर आई हैं। बहुत अच्छा टेस्टी लगता है प्रसाद खाने में। सुराची गई थी, सब कुछ है और हम लोग खाए, बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी यहाँ से लेकर खा सकते हैं, जो गांव का है नहीं, जो मतलब जो नहीं जा सकता है, जिनके घर पे अगल बगल मिलता हो खा रहा हो, जिनको नहीं मिल रहा होगा वो यहीं से खा सकते हैं। जैसे जैसे किट्टो किट्टो संजय जी खाए, अरे खा लो आपकी सासू आप बुनिया लाई है, पूरी लाई है, हम लोग खा लिए हैं। और जय माता दी प्रसाद खा कर बहुत अच्छा लगा। और सानिया खा रही, सानिया का फेवरेट तो हलवा है, हलवा नहीं आया। सानिया मंगा दे क्या हलवा, तन्नू को लाइए। मम्मी पानी भी ला कर दे रही है हम लोग को पीने के लिए। चलिए गाइस बने रहिए। तो सो गाइस, प्रसाद वगैरह खाने के बाद हमने चाय भी बनाया, और यहाँ ना दोनों टाइम चाय बनता है, तो सबको दे दिया पीने के लिए। और दीदी कपड़े वगैरह ऊपर से लेकर आई थी, फोल्ड करके रख दिए, और हम लोग को मम्मी आज लेकर जाएंगे घुमाने फिराने, गांव के जाएंगे, दुर्गा पूजा देखेंगे, डांस वगैरह होगा, बहुत सारे कार्यक्रम होगा। ओ माय गॉड, तो इसी बीच में लाइट भी चली गई थी इसलिए मैं ब्लॉग को रोक दिया था। तो और हम लोग मार्केट गांव में जाएंगे, पहली बार हम अपने शादी के बाद, एक बार मेरी जब शादी हुई थी तब मैं न्यू शादी हुई थी तो यहाँ पर नवरात्र में थे, ये दूसरी बार। लेकिन हम घूमने कहीं नहीं गए थे तो मम्मी के साथ आज जाएंगे हम लोग। खाना पीना जल्दी बना ले रहे हैं, यहाँ सब्जी की काटने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग बोलेंगे कि आप लोग नवरात्र में लहसुन प्याज खाते हैं, तो हमारे यहाँ कलसा नहीं बैठाया गया है शुरू से ही, जब कोई अरे बस हलवा पूरी नहीं चढ़ाते हैं। हाँ मतलब जब तो जो जहाँ जैसा होता है वैसा अपना करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए हमारे मायके में नहीं अरे प्याज लहसुन खाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कलसा बैठा के पूजा होता है, कलसा बैठाया जाता है तब प्याज
नहीं खाते हैं, जो मानता है भाई वो अपनी। और गीता में रामायण में कहा ऐसा लिखा है कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, वो अपनी अपनी एक इच्छा होती है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो गाइस आज है 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री है, 2 अक्टूबर है महात्मा गांधी जयंती है, और एक लोग का और भी है लाल बहादुर शास्त्री का है जो भी है। अब इतना दिन का पढ़ाई, अरे नहीं सुनो, तभी हमारे कमेंट आया था बंदा जी पढ़ लिखी नहीं है क्या, इसकी वजह मतलब कुछ बोला मालूम सब कुछ रहता है। और हमारे महात्मा गांधी जी का है वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, और क्या बुरा ना किसी का करो ना बुरा के देखो ना सुनो, जो भी करो सबके साथ अच्छा करो, अच्छा शब्द बोलो, अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। और गाइस मैं एक बात आप लोग से और बताना चाहती हूँ, अगर 24 घंटे में हम अगर जुबान से कोई वर्ड निकालते हैं, मैं भी कभी कभी ऐसा होता है, मुझे पता था लेकिन जब से मैं प्रदीप जी का भाषण सुनने लगी हूँ तब से मुझे लगा कि चलिए कि मुझे ऐसा शब्द यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी बच्चे की वजह से परिवार के कभी कभी हो जाता है, गुस्सा आ जाता है तो इन सब बोल लेता है, लेकिन बोलो ऐसा शब्द बोलो कि जो आपके मुंह पे अच्छा लगे, किसी के लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। तो हाँ 24 घंटा में क्या बोल रही थी कि हमारी जुबान पे सरस्वती मैया आती है तो इसी हाँ दिन भर में एक बार आती है, लेकिन जो वर्ड बोलती हूँ उन्हीं का हाँ तो वो होता है, लेकिन एक बार सच होता है, तो इसीलिए कभी भी बोलो, किसी को भी बोलो, दूसरों को बोलो या अपने आप को बोलो, जिसको भी बोलो अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा कहो, क्योंकि अगर उसका अच्छा होगा तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर मेरा अच्छा होगा तो सामने वाले का अच्छा होगा। तो इसीलिए हम भी बहुत ऐसे वैसे बहुत बोलते थे, लेकिन गाइस जब से मैं प्रदीप जी की भाषण देखने लगी हूँ तब से हम दोनों बहनों की दिमाग खुल गई, साथ साथ में इनका भी दिमाग खुलवा रहे हैं कि आप भी देखो आपका भी दिमाग खुलेगा, हम तो कह रहे मम्मी को भी दिखाइए, मम्मी उनका देखती है कौन से कौन सा। तो लेकिन मैं जिंदगी में पहली बार नहीं सुनी थी, जो भी सुनी प्रदीप जी का कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा अब संस्कार जो हमारे माँ बाप नहीं दे पाए वो हमको प्रदीप जी दे पाए, तो उनकी वजह से हमें बहुत अच्छा लगता है। माँ बाप तो देते हैं लेकिन फिर भी लोग इग्नोर कर देते हैं, माँ बाप का संस्कार जो होता है एक लोग इग्नोर कर देते हैं, चलो यार बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, जैसे माँ बाप तो संस्कार देते जैसे कहते चलो कुमार को देखो, ये नहीं देखो पढ़े लिखे बहुत सारे होते हैं लेकिन भगवान हाँ जैसे इंजीनियर कोई होता है मेरे को ये सब नहीं समझ आता है, लेकिन जब दुख सुख साथ में जब किसी के ऊपर पड़ता है तब होता है कि हाँ ये चीज है, लोग सोचते हैं मेरी शादी हो जाए तो हम हाँ अलग से रहे, सोचते भी है होता भी है, लेकिन हमारे प्रदीप जी कहते हैं अगर किसी के साथ अगर आप अच्छा करते हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा, ये शिव पुराण कह रहा है, शिव पुराण कथा में तो प्रदीप जी उनकी कहानी बताते हैं, उनकी कथा बताते हैं, अच्छे के साथ अच्छा ही होता है, अच्छा होता है, नहीं यार बुरे के साथ भी अच्छा होगा, अगर जब बुरा वाला छोड़ देगा बुराई करना, पहले क्या होता था लोग काना फूसी बहुत करते थे, गांव चुगली करते, अब की देखो किसी के पास टाइम ही नहीं होता है किसी के साथ बैठने का, करने वाले करते ही है। नहीं करते हैं, मेरे कहने का मतलब पहले तुम अपना देखो फिर दूसरा देखो, तो इसीलिए अब किसी का कोई नहीं करता, चलिए जहाँ हमने छोटी मोटी बातें गलत थोड़ा बोली होगी बोलोगी तो कहेंगे अरे इनकी बहू तो ऐसी है, पहले अपना नहीं देखेंगे। तो गाइस अगर हम थोड़ा सा ऊंचा नीचा बोल दिए होंगे तो सॉरी, बच्चा समझ के अपना माफ कर दीजिएगा, जहाँ मुझे गलती लगी होगी ना पतिदेव। हाँ जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नहीं नेक्स्ट व्लॉग में नहीं यार, हाँ नेक्स्ट व्लॉग मिलते हैं, चलिए बाय बाय, अब हम लोग सज सज के कहाँ जाएंगे वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, थैंक यू सो मच, ऐसे प्यार देते रहिए, प्यार बनाए रखिएगा, जय माता दी।